बॉलीवुड में एक समय ऐसा भी था जब बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का नाम ही काफी होता था ऑडियंस को सिनेमा घरों तक बुलाने के लिए, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। जी हाँ, बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार सलमान खान काफी लंबे समय से बॉलीवुड में कमबैक के लिए तरस रहे हैं। जी हाँ, इनकी फिल्म किसी का भाई किसी की जान, यहाँ तक कि टाइगर 3 भी बॉक्स ऑफिस पर उतना कमाल नहीं दिखा पाई जितना इस फिल्म को दिखाना चाहिए था। और बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का कमबैक अभी भी बॉलीवुड में नहीं हो पाया, लेकिन अब सुपरस्टार सलमान खान काफी फूक फूक कर कदम रख रहे हैं और इनकी एक ऐसी फिल्म आने वाली जो कि आते ही बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला देगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी न्यूज पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की अगली फिल्म जिसका कि टाइटल अनाउंस हो चुका है। जी हम बात कर रहे हैं इनकी फिल्म सिकंदर के बारे में। तो अगर आप भी इनके बहुत बड़े फैन है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं साजिद नाडियावाले, जो कि लगभग 10 साल पहले ही सुपरस्टार सलमान खान के फिल्म के साथ किक जैसी फिल्म बना चुके हैं। ये फिल्म ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आई थी, लेकिन इस फिल्म के डायरेक्टर होने वाले AR मुरुगदास, जो कि साउथ इंडस्ट्री की एक से बढ़कर एक और बेहतरीन फिल्में बना चुके हैं। बताया जा रहा है कि सलमान खान के साथ इनकी ये फिल्म बेहद खास होने वाली, जिसमें कि काफी धमाकेदार एक्शन होने वाला है। और बताया जा रहा है कि इस फिल्म में सुपरस्टार सलमान खान सिकंदर का कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आएंगे। अगर बात करें फिल्म के बजट के बारे में, तो सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म के लिए पैसा पानी की तरह बहाया जाएगा। जी हां, फिल्म का बजट लगभग 400 करोड़ से भी ज्यादा का बताया जा रहा है, जिसकी की शूटिंग आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर ही शुरू हो जाएगी। जी हां, बताया जा रहा है कि मई या जून में इस फिल्म की शूटिंग को शुरू कर दिया जाएगा और 2024 में फिल्म की शूटिंग भी खत्म हो जाएगी। ऐसे में अगर बात करें फिल्म की रिलीज डेट के बारे में, तो ये फिल्म हमें अगले साल ईद के मौके पर देखने को मिलने वाली। जी हाँ, फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस हो चुकी है। बताया जा रहा है कि फिल्म को ईद 2025 में रिलीज किया जाएगा और आते ही ये फिल्म तमाम बड़े रिकॉर्ड तोड़ सकती है। अगर बात करें फिल्म के म्यूजिक के बारे में, तो इसको लेकर अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई, लेकिन बताया जा रहा है कि इस फिल्म में हमें एक बार फिर से अनिरुद्ध का म्यूजिक देखने को मिल सकता है, जो कि साउथ इंडस्ट्री के साथ साथ बॉलीवुड की भी कई फिल्मों में अपने म्यूजिक दे चुके हैं। अगर फिल्म की बाकी स्टार कास्ट के बारे में बात करें, तो इसको लेकर अभी भी कोई भी अपडेट नहीं आई है, लेकिन जैसे फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी जाएगी, फिल्म को लेकर कई कई बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ सकती है। तो आप सभी सुपरस्टार सलमान खान की इस फिल्म को देखने के लिए कितना एक्साइटेड है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।